नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलडीसी एफिशिएंसी हिंदी टेस्ट सीरीज के सेकंड वीडियो की। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पैराग्राफ के प्रथम पांच शब्दों को पीले रंग से हाईलाइट करिए। ये मेरा पहला पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ है। स्टार्टिंग के पाँच शब्दों को सेलेक्ट करेंगे और पीले रंग से उसको हाईलाइट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ का इनसाइड इंडेंट 0.9 और आउटसाइड 1.2 करना है। तीसरे पैराग्राफ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पैराग्राफ पे आप कहीं पर भी क्लिक करिए, पैराग्राफ वाले ब्लॉक को ओपन करिए। यहाँ पे लेफ्ट राइट आपके सामने इंडेंटेशन में नज़र आएगा, वहाँ से मिरर इंडेंट करिए। इसको तो 0.9 करना है मेरे को इनसाइड को, तो और आउटसाइड को मेरे को 1.2 करना है। तो यहाँ से मैं 1.2 करके ओके करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनसाइड और आउटसाइड इंडेंट लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के 18वीं लाइन को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। 18वीं लाइन को, इसके लिए आप एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, फाइन पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 18वीं लाइन्स पे क्लिक करेंगे और फिर 18वीं लाइन पे स्विच हो जाएंगे। जो यहाँ पे क्लिक किया आप यहाँ से 18वीं लाइन पे आ गए। इस लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप मार्जिन पे क्लिक करके उस लाइन के सामने, तो ये लाइन सेलेक्ट होकर इसको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट यहाँ से दे दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, अंतिम पैराग्राफ की अंतिम दो लाइनों को हाइड करिए। अंतिम पैराग्राफ की दोस्तों देखिए, ये मेरा अंतिम पैराग्राफ है और ये इसकी अंतिम दो लाइनें हैं। इसको मैं इसको हाइड करना है, तो आप इन लाइंस को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट वाले ब्लॉक को ओपन करिए और यहाँ से इफेक्ट हिडन इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो अंतिम दो लाइनें आपकी हाइड हो जाएगी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज मार्जिन मिरर्ड कीजिए। इसके लिए आप पेज लेआउट पे क्लिक करिए, मार्जिन पे क्लिक करिए और यहाँ से मिरर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो पेज का जो मार्जिन है वो मिरर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, मिरर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में चेंज करिए। बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन आपके पेज का है वो आप देखिए, ये पोर्ट्रेट में है, ठीक है। इस तरीके से पेज आपका खड़ा है, इसको आड़ा करना आपको, तो आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और लैंडस्केप में करेंगे तो आपका पेज लैंडस्केप में हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेज पर रेड कलर में 3D बॉर्डर लगाइए। 3D बॉर्डर लगाना दोस्तों रेड कलर में। इसके लिए आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करिए, बॉर्डर पे क्लिक करिए, नन सेलेक्ट है उसकी जगह आप 3D बॉर्डर पे क्लिक करिए, यहाँ से कलर लीजिए रेड। दोस्तों इन ऑप्शंस किसी तरीके के स्टाइल को स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3D पे सेलेक्ट करना है, कलर लेना है और ओके करना है। तो इस तरीके से 3D आप इसके अंदर बॉर्डर दे सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ पर इन लाइन 4 लाइन में ड्रॉप कीजिए। दूसरे पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये दूसरे पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए आप, इन लाइन 4 लाइन में ड्रॉप कैप देना है मेरे को। तो इसके लिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट में जाकर ड्रॉप कैप पे क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इन लाइन सेलेक्ट करना है। और कितनी लाइंस का करना है मेरे को, 4 लाइंस का, तो यहाँ पे 3 लाइन है उसकी जगह 4 लाइन कर देंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सेकंड वाला पैराग्राफ का ड्रॉप कैप 4 लाइंस के अंदर इंसर्ट हो गया। नवा क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। तीसरे पैराग्राफ को, ये तीसरा पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द पर किसी फोल्डर की हाइपरलिंक डालिए। किसी भी फोल्डर की, तीसरे पैराग्राफ के प्रथम शब्द पर, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये वाला प्रथम शब्द है, उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे लिंक्स पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाला हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी फोल्डर को मेरे को लिंक करना है तो आप हाइपरलिंक पे क्लिक करिए। उसके बाद में आप कहीं पर भी चले जाइए, सपोज मेरे को डेस्कटॉप पे मेरा कोई फोल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊंगा मैं और यहाँ पे सांगवान टेस्ट सीरीज नाम से फोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया तो आपने देखा यहाँ ब्लू कलर का हो गया और यहाँ पे हाइपरलिंक लग गया। इस तरीके से आप किसी फोल्डर पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है 11वां, डॉक्यूमेंट में जहां पर भी अभ्यास शब्द है उसको परिश्रम शब्द से रिप्लेस करना है, इसके साथ ही उसको बोल्ड और लाल रंग में अंडरलाइन देना है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले
आपको अभ्यास शब्द शब्द करना सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए फाइंड पे क्लिक करेंगे और ये अभ्यास टाइप करेंगे, उसके बाद में आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परिश्रम शब्द टाइप करेंगे दोस्तों। परिश्रम शब्द टाइप कर देंगे और उसको आपको रिप्लेस करना है परिश्रम के साथ में। यहाँ पे देखिए उसको बोल्ड करना आपको, तो यहाँ से आप उसको बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन आपको देनी है रेड कलर में। आपको अंडरलाइन देनी है और उसका कलर होना चाहिए रेड। ओके ओके रिप्लेस ऑल। तो आप देखेंगे कि जो अभ्यास शब्द है वो परिश्रम में चेंज हो जाएगा, जो बोल्ड भी होगा अंडरलाइन भी होगा और उसका कलर हो जाएगा रेड। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में 17 रिप्लेसमेंट पाए हैं। ओके करना है, क्लोज कर देना है। तो आप देखिए दोस्तों परिश्रम से चेंज हो गया है और अंडरलाइन रेड कलर में हो गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.8 कीजिए। चौथे पैराग्राफ का 1 2 3 4, ये मेरा चौथा पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.8 करना है। तो आप पैराग्राफ को ऑन करिए, यहाँ से ये इंडेंट है, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट है, या स्पेशल में जाएंगे या फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और इसको 0.8 करना है। ये दोस्तों 0.8, ओके। इस तरीके से आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट 0.8 पे हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, डॉक्यूमेंट के अंत में एक सूची दी हुई है, इस पर बुलेट लगाइए। दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंत में आपकी इस तरीके से सूची है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इस पर आपको क्या लगाना है, इस पर आपको इंडेंट लगाने हैं। तो आपको करना क्या है, सॉरी यहाँ पे बुलेट लगाने हैं। तो आपको करना क्या है, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और आप जो ही बुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बुलेट इस तरीके से लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अंत में एक, सॉरी 14वें नंबर का क्वेश्चन है, पेज के बॉटम में पेज नंबर इंसर्ट करिए, पेज के बॉटम में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। बॉटम ऑफ द पेज में किसी स्पेशल फॉर्मेटिंग की बात नहीं हुई है, तो आप किसी भी तरीके का बॉटम में पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके बॉटम पे पेज नंबर इंसर्ट हो गई है। देखिए फर्स्ट नंबर का पेज है मेरे बॉटम पे दिख रहा है, ये सेकेंड नंबर का पेज है। तो इस तरीके से आप बॉटम पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पीले रंग में शेडिंग दीजिए। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरे पूरे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट ऑल से, ये सेलेक्ट हो गया मेरा, पीले रंग से इसको शेडिंग देना है मेरे को, ये पीले रंग से इस तरीके से डॉक्यूमेंट में शेडिंग दे दी मैंने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के अंत में पाई चार्ट इंसर्ट करिए। ये डॉक्यूमेंट है, इसके सबसे लास्ट में आ जाऊंगा दोस्तों मैं, ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाऊंगा यहाँ से मैं, और इसके अंत में मेरे को पाई चार्ट इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, और चार्ट पे क्लिक करने के बाद में इसमें स्पेसिफाई किया है पाई चार्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा, किसी भी एक तरीके का पाई चार्ट ले लीजिए, ओके करिए। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो एक्सेल की शीट खुलती है, आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से अभी पाई चार्ट इंसर्ट हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ की द्वितीय शब्द में एंड नोट इंसर्ट करिए। प्रथम पैराग्राफ, ये प्रथम पैराग्राफ है, इसके द्वितीय शब्द पर, ये द्वितीय शब्द है आधार, एक सेकेंड, ये आधार द्वितीय शब्द है, इस पे मेरे को क्या लगाना है, एंड नोट इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरीके से आप
द्वितीय पैराग्राफ सॉरी प्रथम पैराग्राफ के द्वितीय शब्द पे, जो ही मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा तो आप देखेंगे, ठीक है, सांगवान एकेडमी सेकंड वाले वर्ड पे नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड नोट लगा दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ के अंत में तीन कॉलम और सात रो वाली सारणी इंसर्ट करके काल्पनिक डेटा बनना है। ये मेरा चौथा पैराग्राफ है, 1 2 3 4, ये चौथा पैराग्राफ के अंत में मैं आ गया। यहाँ पे मेरे को टेबल इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट टेबल करूँगा जिसके अंदर तीन तो कॉलम चाहिए, तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम के जगह तीन कर देंगे और रो के अंदर अपन सात इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन तो मेरे पास कॉलम आ गए और सात इसके अंदर रो आ गई। आपको करना क्या है, इसके अंदर काल्पनिक डेटा इंसर्ट करना है। तो देखिए दोस्तों आप इस तरीके से काल्पनिक डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये काल्पनिक डेटा इंसर्ट कर रहा हूं दोस्तों मैं। इस तरीके से आप काल्पनिक डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, सारणी की स्टाइल लाइट शेडिंग में चेंज करें। सारणी की जो स्टाइल है वो लाइट शेडिंग में चेंज करना है, तो सारणी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में टेबल की जो स्टाइल है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लाइट शेडिंग, बहुत सारी लाइट शेडिंग है, किसी स्पेसिफिक लाइट शेडिंग की बात नहीं हुई तो आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से लाइट शेडिंग में ये सारणी चेंज हो जाएगी। 20वां क्वेश्चन है, टेबल के बाईं तरफ एक कॉलम इंसर्ट कीजिए। टेबल के बाईं तरफ, सपोज मैं यहाँ हूँ, ठीक है, इसके बाईं तरफ मेरे को कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, टेबल पे फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करना है, आपको लेआउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट लेफ्ट, जो ही आप इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में बाईं साइड एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, टेबल की तीसरी रो के दूसरे कॉलम, 1 2 3, ये तीसरी रो है, दूसरे कॉलम, ये दूसरा कॉलम है मेरा, मैं बनी सेल डेटा को बोल्ड करना है, तो इसको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने और होम में जाके इसको मैंने कर दिया बोल्ड। इस तरीके से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ को हरे रंग में अंडरलाइन इफेक्ट देना है, लेकिन स्पेस अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे ट्रिपल क्लिक करके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद में अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑन वर्ड्स ओनली, तो वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से कलर कर देंगे ग्रीन, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि केवल वर्ड्स पे ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ को हरे रंग में शेडिंग इफेक्ट देना, चौथे पैराग्राफ को, 1 2 3 4, ये मेरा चौथा पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको करना क्या है, हरे रंग में शेडिंग इफेक्ट देना है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ से कलर कर दूंगा ग्रीन, तो इस तरीके से हरे रंग में शेडिंग इफेक्ट यहाँ से आप दे सकते हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर लाल कीजिए। तीसरे पैराग्राफ का फॉन्ट कलर, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट कलर रेड करना है, तो यहाँ से फॉन्ट कलर रेड कर देंगे दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट व्यू को फुल स्क्रीन व्यू में सेट करिए। इसके लिए आप व्यू पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन व्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से आप इसको फुल स्क्रीन मोड पे सेट कर सकते हैं। दूसरा आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे इस तरीके से ये जो वाला ऑप्शन आता है सेकेंड नंबर का फुल स्क्रीन मोड, आप यहाँ से भी ये चीज़ इफेक्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था LDC एफिशिएंसी हिंदी टेस्ट सीरीज का सेकंड वीडियो। इसी तरीके से आगे भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।